हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरेंगे बीए ऑनर्स का। जी हाँ, 2019-2020 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म गलत नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं फॉर्म भरते हुए काफ़ी गलतियां कर देते हैं और उसकी वजह से उनका फॉर्म हो जाता है कैंसिल। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप जो है नए आए हैं इस वीडियो में, और इसको जो है लाइक कीजिएगा बाद में वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको amucontrollerexams.com साइट खोलनी है। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट्स में आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जनरल एडमिशन्स फॉर सेशन 2019-20। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्लैश गाइड टू एडमिशन आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे रजिस्टर तो किया नहीं होगा आपने, तो यहाँ पे रजिस्टर करना है नए यूज़र के लिए। ठीक है, आप इसका वेट कीजिए खुलने के लिए। अब यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, यूज़र नेम जो आपका नाम से रिलेटेड है। मान लीजिए मैंने मोहसिन डाल दिया है, मोहसिन। देखते हैं क्या अवेलेबल है, नहीं है अवेलेबल, नहीं है तो मैं मोहसिन 456 डालता हूँ। क्या ये अवेलेबल है, ये भी नहीं है, 4562 डालता हूँ, ये अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप कोई पासवर्ड डाल दीजिए। अब वो लेटर्स होने चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए उसमें, तभी ये पासवर्ड जो है अलाउ करेगा। ठीक है, आप कोई भी अपना पासवर्ड डाल दीजिए और इस पासवर्ड को याद रखिएगा। अब फिर आप यहाँ पे ईमेल डाल दीजिए अपना, जो ईमेल जो है जिस पे आप चाहते हैं कि आपका नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे mohsin@gmail.com, मैं तो सिर्फ सैम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ पे नाम डाल दीजिए अपना, मान लीजिए मेरा नाम मोहसिन है और किसी का नाम दो नेम होते हैं तो मोहसिन खान। यहाँ पे 9 × 2 करके आप क्या आता है मल्टीप्लाई 18। तो रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। रजिस्टर पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये रजिस्टर होगा, और रजिस्टर होने के बाद ये आपको लॉगिन पेज के लिए ले जाएगा। ठीक है, मतलब आपको लॉगिन करना होगा, वहाँ से फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। अब अभी हमने यूज़र नेम हमारा क्या था, mohsin4562। ठीक है, और पासवर्ड हमारा जो आपने डाला था वो डाल दीजिए इसमें। मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। अब 6 + 3 क्या होता है, 9। यहाँ पे साइन इन करते हैं, देखते हैं। अब जब आप साइन इन करते हैं तो आप ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ेंगे तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है। स्टेप 1 पे प्रोफाइल पे क्लिक करिए और प्रोफाइल में अपना एंड आप यहाँ पे दूसरा ईमेल डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रहा हूँ। आधार कार्ड नंबर कोई भी डाल दीजिए आप जो है इसमें, जो आपका आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का होता है, मैं तो ऐसे रैंडमली डाल रहा हूँ। मदर नेम आपका जो मदर नेम होगा वो डाल दीजिएगा, फादर नेम डाल दीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मान लीजिए मैंने डेट ऑफ बर्थ चूज कर लिया, जेंडर मेल, और अपना मोबाइल नंबर कोई भी, कोई रैंडमली डाल रहा हूं मैं मोबाइल नंबर, ये ऐसे, ये 9876 54। ठीक है, ये ऐसे कोई मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है जो आपका 10 डिजिट का होना चाहिए। फिर आपको जो है दूसरा मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो, स्ट्रीट एड्रेस कुछ भी आप डाल सकते हो, 76। ऐसे मैं रैंडमली डाल रहा हूँ इसमें। ठीक है, आप कुछ भी डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए मैंने मेरठ डाल दिया है और सेलेक्ट स्टेट कर लिया है उत्तर प्रदेश। आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही डालनी है, और ये पिन डाल दिया कोई भी। अगर आप जो है जहाँ पे रहते हैं और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। पिन जो है गलत बता रहा है तो मैं कोई डाल देता हूँ, मान लीजिए सहारनपुर की पिन डाल दिया मैंने। अब ये सेम कर दीजिए आप इसको। फिर यहाँ पर देखना है आप नेशनैलिटी अपनी चूज़ कर लीजिए, इंडियन, और रिलीजन आपका अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम, हिंदू है तो हिंदू। यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया है। हॉस्टल आपको चाहिए तो यहाँ पर यस कर लीजिएगा, नहीं चाहिए तो नहीं, तो मैंने यस कर दिया है। अब ये सबमिट एंड रिव्यू कर दूंगा तो फर्स्ट स्टेप ये कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये जाता है दूसरे, ये कहेगा कि क्या ये सही है, चेक कर लीजिए। अगर सही है तो यहाँ पे आप जो है सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिएगा, और फिर ये जाएगा आपके दूसरे स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके दूसरे स्टेप पर ले जा रहा है। ठीक है, जहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी होगी, अपने 12th आपने भरनी होगी, आपने 12th की है तो आप जो है बता सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 12th। ठीक है,
पासिंग आपने कौन से ईयर पास किया है, अगर 2018 किया है तो 2018 ठीक है, या अगर आप अपीयरिंग कर रहे हैं, अब 2000 अब जो काफ़ी स्टूडेंट्स तो ट्वेल्थ में होंगे तो अपीयरिंग ही होगी, अभी उनके 2019 में रिजल्ट आएगा, रोल नंबर उनको नहीं पता होगा, बोर्ड मान लीजिए CBSE है, रिजल्ट भी नहीं आया होगा अभी, तो आप इसको वेटिंग में कर दीजिए और इसका वेटिंग में कर दीजिए ठीक है, और 7 कंटिन्यू कर दीजिए। फिर इसके बाद आपका स्टेप 3 आता है, फोटो सिग्नेचर और आपके लिए थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के लिए, तो फोटो के लिए यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक कर दीजिए, मैं कोई सैंपल फोटो ऐसे ले रहा हूँ। फोटो के लिए ध्यान दें JPG फॉर्मेट का हो फोटो, आप सामने देख रहे हो और बैकग्राउंड हो उसका वाइट, और फोटो का साइज होना चाहिए 20 से 100 KB के बीच में। देखिए ये मैंने फोटो चूज करता हूँ, मैं यहाँ से पिक्चर्स में कोई सैंपल फोटो मैंने ले लिया है, और अब इसको अपलोड कर देता हूँ सबमिट ठीक है। अब इसको सबमिट किया, इस अपलोड हो रहा है, यहाँ पे देखिए वेटिंग का निशान आ रहा है, हमें इसको अपलोड होने दें, जब अपलोड हो जाए तो नेक्स्ट कर ले इसको। फिर नेक्स्ट करोगे आप तो दूसरे सिग्नेचर के लिए डिमांड करेगा, आप चूज फाइल कर दीजिए, सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। ये सबमिट हो गया है, अब इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा आप। नेक्स्ट करने के बाद आपको थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, थंब इम्प्रेशन भी 20 से 100 KB होना चाहिए, और ये ब्लू या ब्लैक कलर से जो है इस पर लिखा होना चाहिए, साइन जो होने चाहिए, इसको सबमिट कर दीजिए आप ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना है इसमें रिव्यू अपलोड कर लीजिए, आप देख लीजिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही से अपलोड हुए हैं या नहीं हुए। तो मैं यहाँ पे 7 कंटिन्यू कर देता हूँ, फिर ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। अब क्या अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नहीं, ये कैटेगरी में आपने जो है कर दिया, फिर आप इसको सबमिट कर दीजिए। अब ये स्टेप 5 में, ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, यहाँ पे आपको फॉर्म्स सेलेक्ट करने हैं, अगर आप जो है इंडिया से हैं तो जनरल फॉर्म्स, अगर आप बाहर से कहीं हैं तो NRI फॉर्म्स ठीक है, तो हम जनरल फॉर्म कर देते हैं। फिर आपको लिए बैचलर डिग्री आपको जो है अप्लाई करना है, तो बैचलर डिग्री का कोर्स, अब बैचलर डिग्री का कोर्स कौन सा अप्लाई करना है वो देख लीजिए। यहाँ पे हमारा कोर्स जो है ये BA ऑनर्स, अगर आप फॉरेन लैंग्वेजेस है ये सेलेक्ट कर लीजिए इसको ठीक है, या अगर BSc ऑनर्स है, या BA है, BA आर्ट्स है, आप कौन सा करना चाहते हैं, ये BA के लिए है, BA ऑनर्स के लिए, तो हम कोई सा भी इसमें फॉरेन लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, आप कोई और भी हो सकता है आपका BA के लिए ठीक है। अब ये मैंने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। अब एग्जामिनेशन जो हमने एग्ज़ाम दिया है लास्ट में, तो वो कौन सा है, 12th है, उसका रोल नंबर आपको याद नहीं है, पास आप कौन से ईयर में होंगे, 2019 में, बोर्ड आपका कोई और कोई भी हो सकता है, मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी बोर्ड चूज़ कर लेता हूँ, आपका जो बोर्ड होगा वो आप कर लीजिएगा। डिवीज़न अभी नहीं आई है तो नहीं, अगर आप AMU के स्टूडेंट हैं तो अपना एनरोलमेंट नंबर डाल दीजिएगा, हॉल जिस हॉल से बिलोंग करते हैं, अगर नहीं है आप तो बाहर से स्टूडेंट है तो एक्सटर्नल। टेस्ट सेंटर देखिए आप जो है कौन सा टेस्ट सेंटर चूज़ करना चाहते हैं, इसमें सिर्फ अलीगढ़ ही है, यहाँ पे फिर टिक कर दीजिएगा बॉक्स को, और ये स्टेप हो जाएगा आपका कंप्लीट। फिर यहाँ पे प्रोसीड टू पे करना है, और आपको जो है अपने डेबिट कार्ड से, ATM से या नेट बैंकिंग से पेमेंट करनी है। अब स्टूडेंट्स ये जो वीडियो हो गई है कंप्लीट, इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलें, और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आ रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो फॉर्म भरना चाहते हैं ठीक है। स्टूडेंट्स कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, थैंक यू।